सारे फ्रेंड, उम्मीद है सब ठीक ठाक हो, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाने सिखा रहा हूँ मसाला टिक्का बोटी। मैं आपको पहले बता देता हूँ, दही है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, पपीते का पेस्ट है, ये हमारा टिक्का मसाला है, ये ब्राउन की हुई प्याज है जो हमने कूट ली थी, गरम मसाला है, कुटी मिर्च है, नमक है, और ये आधा किलो हमने गोश्त ले लिया बोनलेस, ये बोनलेस है, हड्डी नहीं है इसके अंदर। रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। 1.5 खाने का चम्मच हमने टिक्का मसाला लिया, 1.5 खाने का चम्मच टिक्का मसाला, 1 छोटा चाय का चम्मच लिया है, नमक कम लिया है क्योंकि इसमें टिक्के मसाले में नमक होता है, तो 1 छोटा चाय का चम्मच नमक लिया है, 1 खाने का चम्मच प्याज है जो हमने कुटी हुई ले ली, 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला है और 1 छोटा ही चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च है, 1 खाने का चम्मच मैंने दही, 2 खाने के चम्मच मैंने दही ऐड किया, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और 2 खाने के चम्मच मैंने पपीता ऐड किया है। इसका ये इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए, मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसके अंदर कोयला लगा के छोड़ दूंगा। अच्छा, ये तकरीबन सारे मसाले इसके पूरे हो गए। अब इसमें एक चीज़ और है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैंने तेल ऐड नहीं किया, तो तेल मैं अभी अब ऐड कर रहा हूँ इसमें मसाले मिक्स करने के बाद। तकरीबन 100 ग्राम के करीब मैंने इसमें तेल ऐड किया है, ये देखें, ये मिक्स हो गया। अब इसमें डाल के कोयला लगा के दम पे छोड़ दूंगा इसको, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ूंगा। उसके बाद ये बिल्कुल पपीता वपीता इसको गला देगा गोश्त को, फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें तमाम मसाले मैंने लगा के ऐड कर दिए, सब मिक्स हो गए अच्छे से, तेल वगैरह। अब मैं इसके अंदर कोयला लगा रहा हूँ, ये कोयला आ गया और थोड़ा सा तेल डाल के तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ूंगा, उसके बाद इसको मैं फ्राई कर लूँगा। ये हमने मसाला बोटी में मसाला वगैरह लगा दिया था और कोयला लगा के 1/2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, और ये देखें, अब मैं इसको इसी कोयले का ये तेल है, ये तेल मैं इसमें ऐसे ही ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसको मैं छोड़ दूंगा। जब ये पक जाएगा तो हल्की आँच पर छोड़ दूंगा, ये गल जाएगा इसको मैं पका दूंगा तेज़ आँच पर। अच्छा, ये इसको माशाल्लाह से, अब इसको मैं थोड़ा सा पका के हल्का सा पानी डाल दूंगा ताकि जो थोड़ी कच्चर वगैरह कच्चेपन की वो दूर हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसको पका दूंगा तेज़ आँच पे अच्छे से। मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ, तकरीबन 1 कप के करीब मैंने पानी ऐड किया है इसमें। ये पक जाएगा तो मैं इसको हल्की आँच पे छोड़ के फिर ये गल जाएगा बिल्कुल, तो तेज़ आँच पे पका दूंगा। मैं इसको कवर कवर कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखें, ये पकना शुरू हो गया। अब मैं इसको थोड़े हल्की आँच पे छोड़ दूंगा बिल्कुल, दम पे छोड़ दूंगा, उसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट ये गोल गल जाएगा, उसके बाद मैं इसको तेज़ आँच पे पका दूंगा। अच्छा, ये मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ, हमारी मसाला बोटी बिल्कुल रेडी हो गई है, हमारी मसाला टिक्का बोटी तैयार हो गई। इसमें मैं कोयले का धुआं दे दूंगा, 5 मिनट के लिए मैं सिर्फ कोयले का धुआं दूंगा और खुशबू और टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आ जाएगा इसका माशाल्लाह से। मैंने इसको 5 मिनट के लिए दम कोयला लगा के दम पे छोड़ दिया था और ये हमारा टिक्का मसाला बोटी बिल्कुल रेडी हो गई। थोड़ा सा मैं इसमें गार्निश पे तिल लगा रहा हूँ। अच्छा, ये हमारी मसाला टिक्का बोटी तैयार हो गई है और इसको आप परांठे से और पूरी से इंजॉय करें और हमें कमेंट्स में बताएं, और इसी तरह की मजीद चटपटी रेसिपी देखने के लिए उस्ताद सलमान को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।